हाल ही में बेंगलुरु में राजस्थान से कुत्ते के गोश्त की मुबैना स्मगलिंग को लेकर एक तनाजा खड़ा हो गया था। 26 जुलाई को पुनीत के रहल्ली और उसके साथियों ने क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक जबरदस्त एहतजाज किया और ये दावा किया कि जो गोश्त बरामद हुआ है वो भीड़ के गोश्त के बजाय कुत्ते का गोश्त है। लिहाजा पुलिस ने तकरीबन 2700 किलोग्राम गोश्त के 90 इंसुलेटेड बॉक्सेस जब्त कर लिए। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSAI ने डिब्बों का मुआयना किया और तज्जिए के लिए नमूने इकट्ठे किए। के श्रीनिवास फूड एंड हेल्थ कमिश्नर ने बताया कि 84 कार्टन गोश्त के पार्सल ICAR हैदराबाद और नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजे गए और 31 जुलाई को जारी की गई लैब रिपोर्ट में DNA के तज्जिए की बुनियाद पर गोश्त कुत्ते का नहीं बल्कि भीड़ का था। गोश्त खाने के लिए महफूज है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए इजाफी नमूने माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए दिए गए हैं जिसके नतायज 2 अगस्त तक मुतवक्को हैं। इस वाकये के बाद पुनीत के रहल्ली को रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर सरकारी मुलाजमीन को अपने फराइज अंजाम देने से रोकने का इल्जाम भी लगाया गया था। पुनीत के रहल्ली की गिरफ्तारी के बाद साबिक MP प्रताप सिम्हा ने भी एहतजाज किया और पुलिस पर बर्बरियत का इल्जाम लगाया। पुनीत के रहल्ली मुतादद मुजरमाना मुकदमात में मुलव्विस है। अप्रैल 2023 में गाय की हिफाजत के सिलसिले में इदरीस पाशा के कत्ल के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया था। अगरचे उस पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाद में इस केस को खारिज कर दिया।